वेलकम अगेन टू नीता क्रिएशंस फ्रेंड्स। ये सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा पार्ट आप लोगों के सामने है, सुनिए। मुकुट नीचे गिरा, मैंने पशुओं का बड़ा संहार किया, फिर जाकर ग्वाल वालों को बुलाकर फिर से कथा सुनता, प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान से निवेदन करता है, भगवान ऐसी गलती अब नहीं होगी, जब तक रात धनधान से प्रपूर्ण उनको प्राप्त हुआ। कोई सत्य कहता, कोई कहता बाबा गोस्वामी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी थी। देखा देखोगे भगवान तुम्हें ऐसा ही मिलेंगे, बस देखने का आपका नजरिया कैसा है। बड़े खुश हुए महाराज, जय जयकार हुआ, मान सम्मान बढ़ा, पद प्रिय फेबरी बहारी रास्ता आएंगे राम जी। और महाराज फेबरी न पढ़ी है न लिखी है और न बहुत उच्च कुल की है, गरीब है, मैली कुचैली है और बड़ी तो ऊंच जात नीच जात की है, लेकिन उसका श्रद्धा गुरी रेखा भगवान मिलेंगे राम जी आएंगे। रोज महाराज लगाती अवाती बैठे बैठे भगवान ने उसके जूठन बैर को खाया, उसका भाव अच्छा था और महाराज केवल ने चरणों को दुर्गर के मोज को प्राप्त कर लिया। महाराज मोहरत ध्वज महाराज जो बड़े दशरथ थे अपने पुत्र की बलि दे दी। किसी ने पूछा महाराज बलि क्यों ले दिया, कहा एक बार महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश साधु रूप धारण करके पहुंच गए। कहा क्यों, कारण क्या था महाराज, जैसे महाराज माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और तीनों देव झूल रहे बनकर के लालना, क्योंकि एक दिन महाराज परीक्षा लेने बात आया, क्योंकि कहा सतियों में सती कौन, कहा माता सती, कहे कौन माता सती, तो बाद में लगा ना माता लक्ष्मी जी नाराज हैं, हमारे बिना कुछ होने वाला नहीं, हमारा तुम मान कहीं नहीं मारा, तुम चंचला हो जिगरे पार रहते जब तक खूब दुनिया भर घूमती तुम्हारा के पीछे लोग, अगर तुम चल देते सब झोरा उठा खाली बेचारे पड़े हैं। अच्छा चलो भाई हमारा कोई बात नहीं, कहा तुम बताओ सुरा सती जी, कहीं जब तक बुद्धि चल रही है, जय जयकार भैया, अयकता ढीला हो गया, कहीं पागल हो गया, कहीं ये भी सत्य बात है, कहीं गौरी जी तुम कहीं मैं तो पुत्र हो तुम सबको मानती हूँ, कहीं नहीं भेद बुद्धि तो कहीं नहीं आ ही जाता, क्रोध तो आपको आता है, सब कुछ हो वही तो स्वरूप है। चलो भाई ठीक है, तो है सती कौन, कहा वो अनुसुईया, कहीं अब हम ना मानव जब पक्का परीक्षा लिखे रहो, और नारी नमो है नारी की बहुत पसंद था तुझे मेरा रूप, तो अब देखिए आओ पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु मैं साधु का रूप धारण करके, बहुत भिक्षा माते मुझे भिक्षा दो, मैं भूखा भी हूँ, भोजन भी खाऊंगा आपके हाथ से बनाया हुआ, ठीक है बना कर दूंगी, नहीं नहीं मारा भाई, जब आप निर्वस्त्र होकर मुझे भोजन पवाओगी तभी मैं भोजन पाऊंगी। माता ने कहा यदि किसी दूसरे पति के सामने अपने वस्त्र को त्यागती हूँ तो अपमानित करूं तो क्या, तुरंत अपने पति का जल का कमंडल लेकर आई और जल छिड़ दिया, छह महीने बन गए, और पुत्र के सामने माँ का कोई वस्त्र कोई विचार नहीं, पूरे वस्त्र को उतार के बढ़िया भोजन बनाई और डोलिया में बढ़िया लटाई है, जय जयकार झुला रही है, तो माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। अब बनारस से पूछी अरे भाई कहाँ रह गए, कहीं कहाँ रजा भेजी हुई है, जाओ देखो अब समय तो वहां देखे कुछ दिखाई नहीं पड़े, अरे माल हो तो बड़ा दिखाई पड़े छोटा छोटा, तो पहले कहो लक्ष्मी जी पहुंची, कहीं मैया मेरा पति गायब हो गया है, ये जंगल में आया था ये है, अब बेटा देखो तो नहीं लेकिन दिखेगा तो पता, नहीं माता जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ठीक है भाई बार पकड़ अपना सेवा शुरू कर दी, कल ही करना बढ़िया सुंदर देगा। गौरी जी पहुंची मैया मैं भी मेरी पति तुम्हारी क्या हो गया, हाँ वो भी सेवा कर रही है, सरस्वती कह रहे नहीं मेरा भी गया, अच्छा ठीक है तुम भी आ जाओ भाई सेवा करते रहो। एक दिन एक पूछी तुम्हारा वाला कौन है, वो कहे तुम्हारा वाला कौन है, अब कहीं उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो पता कैसे रहेगा, तो कहे माई ये तीनों बालक कौन, कहीं बालक है बालक है, क्यों कहीं मेरा पति खो गया पता नहीं लग रहा, अरे कहीं इसी में है देखो तो खोज करके, कहा सेवा में इतना प्रेम होता है क्या दिख बहुत, कहा बेटा क्या बात है, क्या माई मैं पत्नी बढ़ता हूँ इसलिए मेरा पति इसमें कौन सा ये बता दीजिए, कहीं आपन लियो ढूंढा यार आपन तो ढूंढा, एक गाँव हम तो गाते हैं ना, तो इस तरह तो ढूंढिए पता लगाओ, कहीं नहीं माई खुद हो गई, कहीं बेटा ठीक है चल रहा है छिड़ दी, अब तीनों में तीनों, तो उनको डर पैदा हो गया कि दादा एक बार धोखा हुआ दोबारा फिर जा रही, तो ऊपर से ध्यान रखा कि जा तो रहे मोरू दुख के, लेकिन देखिए ध्यान रखना हम तो धोखा हो जाए, तो बहुत भिक्षा दे ही मोरू भुजा और भिक्षा मांगे, चारों हाथ से पहुंच जाते हैं मांगने, तो समझ तो भगवान के भाग में इतने भूल गए कि भय कर कैसे हैं और स्वयं रूप में प्रकट हो गए, भाव भाई आ गया तो भूल गए, भगत के बस में है भगवान, अरे वाह भगवान हमारे घर में आए, परमात्मा विष्णु महेश आए, जय हो जय हो जय हो, और इतने मोरद की जय जयकार होने लगी, इतने राज ने कहा प्रभु तीन लोग है आपका प्रशंसा ना होकर के लोग निकाय प्रशंसा कर रहे हैं,
कहा भाई देने वाला बड़ा होता कि लेने वाला, तो यहाँ मांगने कौन आया है, वो आए कि हम आए, कहीं मांगने तो प्रभु हम आए, तो देने वाले का हाथ सदैव भाई कोई सामान दे अब कोई दे रहा आपको तो कैसे लोगी हाथ में ऐसे करके देगा ना, तो नीचे तो देगा नहीं ऊपर देगा, तो ऊपर से नीचे तुम तो संभालोगे, तो मतलब भाई नीचे हमारा लेने वाला नीचे रहेगा। लेकिन भगवान मानो कहना चाहते हैं कि भक्त के लिए मैं कुछ बनने को तैयार हूँ, बनाना तो चाहे भगत के बस में है भगवान, तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव है यके सारे, भाव से मुझको पुकारे भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन लेता नहीं, और भाव से यक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। किसी ने महाराज कैसे मान रहे हम का प्रमाण, कहा प्रमाण है का महाराज, दुर्योधन घर मेवा त्याग हो और साग विदुर घर क्या है विदुर, सागे विदुर घर खाई, ये भगवान तुम्हारे भाव के भूखे, तुम्हारे धन दौलत की भूखे नहीं, आशीर्वाद दिया भगवान चले गए। ऐसे ही भाव भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव जिसे मुझको पुकारे भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन लेता नहीं और भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। भगवान ने स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया, मोरद ध्वज मांगना हूं मांग लो का कुछ देखिए महाराज, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोहन सत्य वैष्णव क्रियते कथम, ज्ञान में अधूरा। भक्ति क्या कहती है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, ना उसके अंदर विचार है, ना कोई हट है, ना कोई दिखावटी, जैसा है जिस अवस्था में है वैसे बाकी बिहारी के स्वरूप को देख करके अपने आप रोम रोम खड़ा अश्रु गिरने लगता है महाराज, और स्वरूप को धारण कर लेता मानो परमात्मा साक्षात तुम्हारे हृदय में विराजमान। श्रेष्ठ कौन है, वो भक्ति है माँ कही गई, वो हृदय में निवास करती है। इस तरह महाराज आशीर्वाद दिया, कहा महाराज ये कार हो, जो मांगना हो मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए मांगो, बस आपका आशीर्वाद का कुछ तो मांगो, बेटे ने कहा नहीं मैं मांगूंगा, भाई भगवान का भाव था जीवित हो गए, अरे क्या मांगोगी तुम, अरे कुछ नहीं मुझे मांग, अभी तक आपका राज था मेरा आने वाला है महाराज, कलयुग में भगवान ऐसी परीक्षा मत लेना, लेना है तो कदुआ खवा खायो और नारियल तोड़वायो, आगे ना ऊपर लाओ, कुछ की बलि नहीं दे सकता है, लेना है तो कदुआ है नारियल है खबा है, ये माताएं तोड़ती नहीं है, इसलिए आप स्वीकार किए। भगवान ने कहा तुम्हारे भाव से यार जो भी मिल जाए वही स्वीकार है, बस तुम्हारा भाव बना रहना चाहिए। आशीर्वाद दिया, रंगनाथ की पूजा करके मोरध्वज अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री अस्त पुराणी देवाखंडे श्री सत्यनारायण इस प्रकार से पंडित जी की सुमधुर आवाज़ में और कहने के अलग अंदाज़ में आपने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, कथा पूर्ण हो गई है और अब हवन की तैयारी हो रही है, हवन होगा उसके बाद आरती होगी। आरती भी बहुत ही सुंदर कराई पंडित जी ने, एक आरती तो हम लोग सब लोग जानते हैं, एक दूसरी नई आरती थी जो आपको अगले पाँचवें और अंतिम भाग में देखने को मिली। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हो। ये हवन कुंड सच के आ गया है दोस्तों, इस पे रोली से स्वास्तिक बनाया गया है और अब हवन के लिए आम की शुद्ध लकड़ियां हैं छोटी छोटी, इन सबको तोड़ के रखा जा रहा है। हवन सामग्री पहले ही मिला ली थी, उसमें पंचमेवा मिलाई, पंचमेवा भी अभी मिलाई जाएगी और बहुत ही अच्छा हवन हुआ, बहुत ही आनंद आया। और हवन में जो सामग्रियां पड़ती हैं उनकी जो खुशबू आती है, सुगंध आती है दोस्तों, और जो उसका धुआं होता है वो वातावरण में पहुँच करके पॉजिटिव एनर्जी देता है, निगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है और बहुत ही आनंददायक समय होता है दोस्तों। ये तो देख रहे हैं मैं पंडित जी भी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, मैं जीजा जी भी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं और हवन कुंड में लगा रहे हैं। इसको पहले अच्छे से अग्नि दे करके प्रज्वलित करके तब हवन डालते हैं, नहीं तो समिधा जो हम लोग दौड़ डालते हैं उससे बुझ जाता है हवन। तो हवन सामग्री में जौ, तिल, अक्षत और कई सारी जड़ी बूटियाँ, फल, मेवा, मिठाई सभी कुछ मिलाया जाता है और मंत्रोच्चारण के द्वारा हवन किया जाता है। तो देख रहे हैं आप लोग हवन की तैयारी हो रही है और पंडित जी हमारे बहुत ही अच्छे
भाव में भाव को प्रधानता देते हैं, कभी सामग्री को प्रधानता नहीं देते हैं। तो उन्होंने मुझे इस पूजा की कोई भी सामग्री लिस्ट नहीं भेजी, उन्होंने कहा जो भी आपको जैसी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप लाइए, शुरू करिए, जितना भी हो पाया उतना सामग्री करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, आरती ली, हवन किया, प्रसाद लिया और वही आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप लोग भी देख करके दर्शन का लाभ लीजिए। सत्यनारायण भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नीता क्रिएशन को। जो पसंद आ रहा है वो भी बताएं, जो ना पसंद आ रहा है वो भी बताएं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए हवन कीजिए आप लोग भाई, सब लोग एक एक लोग करके ना दीजिए। ओम गण उठते स्वाहा, ओम अम्बे बाली स्वाहा, ओम नमो भोजनाथ देवाय स्वाहा, ओम रामाय राम भद्रा राम द्रा वेत्याय रघुनाथन स्वाहा, ओम कृष्णाय बाल देवाय हरे परमात्मने प्रणत गंगा समुद्र स्वाहा, शर्म मंगल मंगल लेति वेत्रवा तातिक तरलेति मुन्नडु स्वाहा, जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा, महालक्ष्मी जबिद महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम नमो हनुमते रुद्रा अवतराय सर्वशत्रु संघरणाय सर्वरोग हराय सर्वजन वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय पंचवदनाय दक्षिण मुखे लालवदने नरसंघे सकल भूत प्रेत दमनाय रामदूताय स्वाहा 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 स्वाहा। कोई बात नहीं, बाजा है।
गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्तः विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भैरवाय स्वाहा ओम जगन्नाथाय स्वाहा ओम अर्धनारे त्रये स्वाहा जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते स्वाहा ओम हृलकुयाय स्वाहा ओम चंद्रमासे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम ब्रह्मते स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम संसनिचराय स्वाहा ओम रायग्रहवे स्वाहा ओम केंकेतवे स्वाहा ओम ग्रहदेवताभिर्म स्वाहा। अब हवन पूरा हो गया है और अब पूर्णाहुति की तैयारी हो रही है। फ्रेंड्स, पूर्णाहुति का मंत्र होता है, आप सभी को मालूम है। इसमें जितनी भी सामग्री बची होती है उसको पान के पत्तों में रख के सभी लोग उसमें हाथ लगा करके पूर्णाहुति देते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये होती है। और इसमें पंडित जी ने लौंग, इलायची, सुपारी भी डलवाई है और कलावा भी डलवाया है। तो जितने पान होते हैं, जितने लोग होते हैं, उसी हिसाब से अगर सबके लिए एक एक नहीं हो पा रहा है तो सभी लोग उसमें हाथ लगा करके पूर्णाहुति में डाल देते हैं। और नारियल से, नारियल में भी हवन सामग्री भर के दी जाती है, पूर्णाहुति की जाती है। पान के पत्ते पर भी दी जाती है, जायफल से भी दी जाती है। इस प्रकार जो है पूर्णाहुति करी जाती है। ये देखिए पंडित जी कलावा दे रहे हैं। पूर्णाहुति करने के बाद सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं और जो हवन की भभूत होती है उसको लेकर के सभी लोग लगाते हैं। जी इस तरह से ये देखिए पंडित जी अभी पूर्णाहुति करवाएंगे। और पूर्णाहुति हमेशा खड़े होकर डाली जाती है दोस्तों, पूरी हवन सामग्री। बोल भगवान की जय, भगवान की जय, महापति महादेव की जय। इस प्रकार से हवन संपूर्ण हुआ और अब आरती की तैयारी होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ सत्यनारायण भगवान की कथा का पांचवा भाग देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।